ओम शांति। परमात्मा पिता का हम बच्चों के लिए आज का वरदान है, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं, वे सबका कनेक्शन परमात्मा बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा, उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें ये संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी हैं। यदि आपको देखा बाप को नहीं तो ये सेवा नहीं की, बाप को भुला दिया। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। परमात्मा हम सबको एक कर्मों की बहुत गहन फिलॉसफी सिखा रहे हैं। इस वरदान के माध्यम से सच्चे सेवाधारी की निशानियां बता रहे हैं। कई बच्चे सेवाएं तो करते हैं, बड़े दिल से करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका अपना स्वार्थ, अपना नाम, अपनी महिमा, कई चीज़ों की खुद इच्छा रख कर के सेवा करते हैं। संगम युग पर जब परमात्मा ने हम सबको सब प्रकार से, हर खजाने से, हर शक्ति से भरपूर किया है, तो हम सब बच्चे परमात्मा की देन को, उनके द्वारा मिली हुई सब प्राप्तियों को, सब खजानों को दूसरों को बांट रहे हैं। ये मेरा कुछ भी नहीं है, उसकी देन है, जो उसने हमें दिया है हम सबको दे रहे हैं। तो कोई भी आत्मा पर्सनल रूप में मेरे से अटक न जाए, लेकिन जो देने वाला दाता है उसकी तरफ सबका ध्यान जाए। इसलिए सच्चा सेवाधारी वो है जो हर आत्मा की सेवा करते हुए सबका संबंध उस परमात्मा पिता के साथ जुड़ा दे, उससे कनेक्शन जुड़ा दे, न कि अपने में अटका दे। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को वर्तमान समय सेवाधारी की बहुत ऊंची विशेषता सुना रहे हैं, और इस विशेषता के आधार से अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और कोई भी बंधन हमें अपनी तरफ खींचता नहीं है। ओम शांति।